दोस्तों, क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? क्या बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखता है? क्या आपका बच्चा हमेशा आपकी बातें नहीं सुनता है, ज़िद्दी हो चुका है? तो इसका सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम योगेश, एज अ माइंड ट्रेनर मैं पिछले 6 साल से बच्चों को और पेरेंट्स को मन की शक्तियों के बारे में, माइंड पावर के बारे में ट्रेनिंग्स देता हूँ। अमेजिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं बच्चों के रिलेटेड, बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी के एक प्रोग्राम की मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन। ये जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे बच्चे की थर्ड आय, अज्ञा चक्र, बोधि नेत्र, डिवाइन आय, पीनियल ग्लैंड हम एक्टिवेट करते हैं। और ये एक्टिवेशन जो होता है, इससे बच्चे बंद आँखों से दिखने लगता है, क्लोज आई से आँखें बंद करके बच्चे देखते हैं। कैसे मुमकिन है, कैसे ये पॉसिबल है? मन के अंदर ये शक्ति पड़ी हुई है, लेकिन हम अनजान हैं। हमारा जो राइट ब्रेन है, उसके अंदर एक पावर है, इमेजिनेशन, कल्पना। जीरो अवस्था में जब हम कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं, देखते हैं, तो हमें बंद आँखों से दिखाई देता है। इसी पावर का यूज़ करके हम ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें जो है, कोई दवाई, कोई मेडिसिन से नहीं पॉसिबल है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे त्राटक हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट, ब्रेन जिम एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, ऐसे काफ़ी सारे एक्सरसाइज से मन के पावर को, राइट ब्रेन को डेवलप किया जा सकता है। तो 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चे आँखें बंद करके लाइफ लॉन्ग देखेंगे। यस, यानी उनको एक आँख मिलेगी। देखो, आँख की वैल्यू कितनी है। ये जो आँख है, थर्ड आई, जो वाटर प्रूफ है, सैंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, प्रूफ 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 ही प्रूफ है। और मैं बोलूँ, ये आँख जिंदगी भर रहने वाली है, कितना ज़बरदस्त चीज़ है। सेकेंड जो बेनिफिट है, वो है बच्चे का मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है। स्कैनर मशीन बन जाते हैं आपके बच्चे। आँखें बंद है, किताब को पढ़ रहे हैं, और आँखें बंद करके जब पढ़ रहे हैं, किताब को साइड में रखिए, स्कैन कर लिया, फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे मैं कहूँ, एक बार पढ़ा, स्कैन हो गया। यस, इमेजिनेशन, राइट ब्रेन हमें इमेजिन किया हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। इसके रेफरेंस में बाबा रामदेव बाबा क्या कहते हैं, जरूर सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना, कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पीनियल जो ग्लैंड है, वो भी आंख की तरह ही काम करता है। लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर, इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल है, और इसी के लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, वो क्या है, बच्चे के सेंस डेवलप होते हैं। यस, मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चों के सेंस, इंद्रिया डेवलप होते हैं। जहाँ पे बच्चा टच करता है उसको रिकॉग्नाइज होता है, स्मेल लेके किताबें पढ़ता है, आवाज़ से उसको चीज़ें समझने आती है। ये कैसे मुमकिन है? हमारे 5 इंद्रियाँ होती है, जिसे ज्ञान के चक्षु मैं कहता हूँ, ज्ञान जिससे हम लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम आँखों का इस्तेमाल पढ़ाई के अंदर या फिर ज़्यादा ही उसी का करते हैं, लेकिन बाकी के जो सेंस है उसको भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे सांप होता है, उसको कान नहीं होते, लेकिन वो टच के फीलिंग से चीज़ों को पहचानता है। या फिर जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसका स्मेलिंग का सेंस ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सेंस हम भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कैसे? तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से सेंसरी डेवलपमेंट भी इसे कहा है। तो ज़रूर कहूँगा ये करना ज़रूरी है, क्योंकि स्मेलिंग से फ्लिप करके पूरी की पूरी किताब को पढ़ा जा सकता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा मक्खी बनकर किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। मेरे हाथ में हिंदी बुक है। क्या नाम है? महात्मा रोगी क्यों। आपकी
जिंदगी सिर्फ एक मिनट में बदल सकती है। क्या लग रहा है आपको, ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ दी। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है, इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। फोर्थ में फायदा बताना चाहता हूँ, मिड ब्रेन क्यों करना है। इसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी स्किल जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। यस, जितने भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जो प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किए हैं, जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है, उनके अचीवमेंट्स हुए हैं काफ़ी जगह पे। जैसे वो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशंस में, कोई मेहमान आते हैं, न्यूज़पेपर में बच्चे गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं, क्योंकि दुनिया ढूंढ रही है ऐसे टैलेंट को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रही है कि उनके अलग स्किल है, अलग वो कर सकते हैं। तो आपका बच्चा बैडमिंटन करता है, आंखें बंद करके करेगा, लोग ढूंढने के लिए आएंगे, कहाँ है आपका बच्चा। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है बंद आंखों से, तो उसको कैरम सिखाइए, उसको बैडमिंटन स्केटिंग सिखाइए, क्योंकि वो अलग कर रहा है। अलग एक स्किल जब आती है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा मैं बता रहा हूँ, पांचवा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रोग्राम है, ये ध्यान का है, ये मेडिटेशन का है। मेडिटेशन से बच्चे के हर एक विकार निकल जाते हैं। विकार ही है जो बच्चे के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे गुस्सा या एंगर जिसे मैं कहूँ, जैसे मोबाइल है वो एक एडिक्शन है, ये विकार है, या फिर ना सुनना ये भी एक एडिक्शन है। तो ये जो विकार है उसको हम ख़त्म करेंगे मेडिटेशन से, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, NLP इसमें मैं सिखाता हूँ। और मेडिटेशन करके तो हम बड़े कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे संत महापुरुष, उन्होंने काफ़ी सारे अपने कार्यों को बढ़ा दिया है। तो ये मेडिटेशन बच्चों के लेवल पे अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जो लोग मेडिटेशन जानते हैं, इस चीज़ को जानते ही होंगे, 3rd eye chakra हमारे बॉडी में होता है, 7th chakra, इसके अंदर जो चक्र है अज्ञा चक्र, वो डेवलप होता है। उसके जो पावर्स है 3, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड इंट्यूशन पावर, ये डेवलप होती है। तो बच्चे बचपन से ही ध्यान करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक परिस्थिति और सकारात्मक रिजल्ट उनको मिलेंगे, कभी नकारात्मक चीज़ों को नहीं जा सकते। मन कंट्रोल है तो सब कुछ पॉसिबल है। मन की शक्ति को जागरूक कीजिए। कोई स्कूल इसे नहीं पढ़ा रहा है, कोई क्लास, कोई ट्यूशन इसको नहीं पढ़ा रहा है। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बच्चे को जीनियस बनाने के लिए 3rd eye activation करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने यह अनुभव लिया है ना, वो क्या कहते हैं ज़रूर सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 thoughts लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचं येणं ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होतात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अवनीचे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा, आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला, आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के जरिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छे से बदलाव नज़र आ रहा है।
और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए, इतना ही कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन एक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लास विषयी मी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते, मी ज्यावेळेस बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे, तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले, म्हणजे मी डोळे बंद करून ऐक कार्ड ओळखू शकते, माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालंय। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं, आमची खूप गट्टी जमली आहे। आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आम्ही आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते। मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल, मला कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी जी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली। आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय। मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असे स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली, जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असते ती सुद्धा राहायला लागली, म्हणजे प्रत्येक गोष्टी जरा चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं। पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद देऊ तेवढं कमीच असं वाटतं। आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो, जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतं। समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे यामुळे, असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून। तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल। मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे, माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते, त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा। थँक्यू। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा।